जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, आज हमारे देश में जो सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, वो है नौकरी या व्यापार या काम धंधे में आ रही परेशानियों की वजह से, नौकरी ना मिल पाने की वजह से। पढ़ गए हैं, लिख गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मार्क्स भी पाए हैं, मगर नौकरी अवेलेबल नहीं है। जहां जाते हैं इंटरव्यू की लंबी लंबी कतारों में लगने के पश्चात, बार बार इंटरव्यू देने के पश्चात भी आज हमारे देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और ना ही उनके पास इतनी पूंजी है कि वो अपना खुद का काम धंधा स्टार्ट कर सके, अपना खुद का व्यापार कर सके या कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सके। ना ही उनके पास इस प्रकार के संसाधन है। और जो लोग ऑलरेडी काम धंधे में हैं, जो ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं, उनको काम धंधे में फायदा नहीं हो रहा है। काम धंधे को चलाने के लिए जो खर्चे आ रहे हैं, वो प्रॉफिट से कहीं बहुत ज्यादा हैं। वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और अल्टीमेटली उन खर्चों की वजह से, किराए की वजह से, तनख्वाह की वजह से उन्हें अपने काम धंधों को बंद करके किसी दूसरे काम पर, किसी दूसरी नौकरी की तलाश में भटकना पड़ रहा है। और ये अब जो हालात बदतर हुए, वो कोरोना के बाद से और ज्यादा बदतर स्थितियां होती चली जा रही हैं। तो आज मैं जो आप सभी लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं, मैं राशि वाइज आपसे चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से कर्क राशि वाले व्यक्ति अपने काम को, अपनी नौकरी को प्राप्त कर सकें, उनको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो सके, या जो भी वो व्यापार कर रहे हैं, जो भी वो काम धंधा कर रहे हैं, उसमें वो सफल हो सके। तो आज मैं विशेष रूप से जो चर्चा करने जा रहा हूं, इसी बात को फोकस करके करूंगा कि किस प्रकार से मैं आप सभी लोगों की नौकरी या काम धंधे में, व्यापार में जो परेशानियां आ रही हैं, उनको दूर करने में आपकी मदद कर सकूं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों से मेरा तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनकी जन्म कुंडली में उनकी प्रॉपर जो राशि लिखी हुई है वो कर्क राशि है। और अगर जिन व्यक्तियों को अपनी जन्म कुंडली, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, तो उनका जो बोलता हुआ नाम है, जिस नाम से समाज में वो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, तो उन नाम का पहला अक्षर अगर स्क्रीन पर आ रहे इन अक्षरों में से किसी एक अक्षर से प्रारंभ होता है, तो आपकी राशि कर्क राशि बनती है। तो इन कर्क राशि वाले व्यक्तियों की जन्म कुंडली में अगर कर्क राशि का स्वयं का मालिक यानी चंद्र देवता यानी चंद्रमा, और उसके अनुसार कर्म स्थान का मालिक मेष राशि बनी, मेष राशि के मालिक मंगल देवता, साथ ही भाग्य के देवता, भाग्य में जहां जो राशि बनती है वो बनती है मीन राशि, मीन राशि के मालिक हुए देवगुरु बृहस्पति, यानी चंद्र देवता और मंगल देवता और बृहस्पति देवता, अगर आप ये तीनों आपकी जन्म कुंडली के अंदर मजबूत होकर बैठे हुए, स्वस्थ होकर बैठे हुए, अच्छी डिग्रियों के साथ शुभ फल देने की अवस्था में बैठे हुए, मित्रों के घर में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको कभी भी काम धंधे में, व्यापार में या आपकी नौकरी में आपको परेशान होने ही नहीं देंगे। लेकिन यहां जो हम चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा कर रहे थे उन लोगों की, कर्क राशि वाले उन लोगों की जो काम धंधे, नौकरी और व्यापार में परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो यहां पर उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, यहां जो मैं ग्रह बता रहा हूं, चंद्र देवता को मजबूत कर लीजिए, मंगल देवता को मजबूत कर लीजिए और बृहस्पति देवता को मजबूत कर लीजिए। अगर ये तीनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हो जाएंगे,
तो कभी भी आपको नौकरी, काम धंधा या व्यापार में परेशानी नहीं देंगे। हो ही नहीं सकती उन लोगों को नौकरी, काम धंधे और व्यापार में परेशानी, जिनके ये तीनों ग्रह मजबूत हैं और जो कर्क राशि के हैं। तो अब इनको प्रसन्न करने का जो सबसे आसान तरीका है, इन ग्रहों को यानी चंद्रमा को, मंगल देवता को और बृहस्पति देवता को प्रसन्न करने का जो सबसे आसान तरीका हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वो है इनके मंत्र साधना करना। मंत्र साधना में भी अगर हम तांत्रिक बीज मंत्रों से इनकी नित्य प्रति साधना करें, नित्य प्रति विधिवत, तो निश्चित रूप से ये अपना शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो उस अगर ये शुभ फल प्रदान करने लगेंगे जिस दिन से आपकी साधना से प्रसन्न होकर, तो आपको काम धंधे और नौकरी व्यापार में परेशानी होगी ही नहीं। या अगर आप नित्य साधना नहीं कर सकते, इनकी नित्य पूजा पाठ नहीं कर सकते, कोई ऐसा विधि विधान नहीं कर सकते, तो आपको बिना झिझक चंद्र देवता के लिए मोती रतन, बृहस्पति देवता के लिए पुखराज और मंगल देवता के लिए मूंगा रतन की या इनके उपरत्नों की, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से इनकी रतन की अंगूठियां बनवाकर प्रॉपर तरीके से किसी ज्ञानी विद्वान व्यक्ति से मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कराकर आपको धारण करनी चाहिए। और सामर्थ्य नहीं है, इनके उपरत्नों की अंगूठी को आप मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कराकर धारण करिए, आपको नौकरी और काम धंधे में परेशानी हो ही नहीं सकती है उसके बाद। लेकिन समय समय पर इसको आपको बदलना बहुत आवश्यक है। असली रत्न जब पहनते हैं तो इनकी आयु मंत्र सिद्ध होने के पश्चात आपको 3 वर्ष तक ये सपोर्ट देते हैं, और अगर उपरत्न की अंगूठियां पहनते हैं तो आपको 1 वर्ष तक ये सपोर्ट देंगे। तो आप हर 3 वर्ष बाद अगर असली रत्न पहनते हैं आप तो, और उपरत्न पहनते हैं तो हर 1 वर्ष बाद इनको पुनः नए सिरे से नई अंगूठी बनवाकर, नया रत्न खरीद कर या उपरत्न खरीद कर मंत्र सिद्ध करवाइए प्रॉपर तरीके से किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ, जिसने इन मंत्रों को सिद्ध किया हो, जो नित्य प्रति इनकी तपस्या करता हो, साधना करता हो, पूजा करता हो। तो फिर आपको परेशानी करेंगे ही नहीं। ये रतन विपरीत से विपरीत स्थितियों में आपको सहारा देंगे, आपको सपोर्ट देंगे, या आप स्वयं इनके तांत्रिक बीज मंत्रों से नित्य प्रति इनकी साधना करें, इनको प्रसन्न करें साधना करके अपनी पूजा से। जब ये प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर आपको परेशानी हो ही नहीं सकती है। ये तीनों आपको परेशानी नहीं देंगे, और जब परेशानी नहीं देंगे तो आपको काम धंधे में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, आपको नौकरी में प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन यहां में अगर कोई जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, उनके बारे में विशेष रूप से एक बात कहना चाहूंगा कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है। तो सूर्यदेव को या तो आप उनके मंत्रों की साधना करके, या फिर उनके रतन माणिक्य, रूबी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसके रतन की अंगूठी अगर आप धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जीवन में सरकारी नौकरी का योग बनने लगेगा। लेकिन उससे पहले कुंडली देखनी आवश्यक है, क्या सूर्यदेव आपको सरकारी नौकरी देने लायक स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं। ये एक महत्वपूर्ण फोकस है। इस बात पर फोकस करने के लिए आप अगर हमारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहे, इन नंबरों पर आप कभी भी फोन करके हमारे बारे में हमसे मुलाकात का समय, हमसे अगर आप आ नहीं सकते तो वीडियो कॉल पर हमसे बात करने का समय ले सकते हैं, और हमसे बात करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अपनी किसी भी प्रकार की परेशानी में आप हमारी बिना किसी झिझक के मदद लेकर लाभ उठा सकते हैं। जय शनिदेव। मैं राकेश रंजन मिश्रा, पालम दिल्ली से हूँ। गुरु जी के साथ पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ मैं। तो गुरु जी ने कुछ उपाय बताए थे, मुझे 5 रिंग दिए थे गुरु जी ने, एक पुखराज दिया था गुरु जी ने, एक मोती और मूंगा और ये अपना गोमेद। तो इससे जैसे जैसे गुरु जी ने बताया तो मेरे काफ़ी काम सफल हुए। मतलब मुसीबत जो पहाड़ों से भी बड़ी थी वो राई के समान, मतलब मुसीबत तो आएगी लेकिन वो पता भी नहीं चलेगा और निकल जाएगा और सारे काम बनते जाएंगे। तो मुझे बहुत सारे फायदे हुए और मेरे
लाखों का जो नुकसान था वो थोड़े से में ही उसका समाधान हो गया। मेरी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है और मैं गुरु जी के साथ और गुरु माँ के साथ सदैव जुड़ा रहूं और मेरे काम बनते रहें। शनि देव का आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा बना रहे और गुरु जी और गुरु माँ का ये सारा काम मेरा बनते जा रहा है। जो भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो एक बार गुरु जी और गुरु माँ को मेरा निवेदन कि एक बार प्लीज़ आजमा कर देखें। मतलब रंक से राजा बोलते हैं तो वो धीरे धीरे एकदम से तो नहीं लेकिन विश्वास के साथ चलेंगे तो सारा काम बनता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।